हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं भैया आप सब लोग? हम तो है बिल्कुल बढ़िया। और भाई आज है संडे और समय हो रहा है सुबह के 7:45। तो भाई आज का व्लॉग कर रही हूँ मैं सुबह के 7:45 बजे स्टार्ट। और बच्चों को आज सुबह जल्दी उठा दिया, एक तो छुट्टी थी तो मैं तो कह भी रही थी मैं थोड़ी सी देर और सो लेते, पर भैया ने इनको उठा दिया जल्दी सी। और उठा के और सुबह सुबह 5:30 बजे से ही उठा दिए वो, और भेज दिए बाहर दौड़ लगाने के लिए। तो भाई और खूब जम के करवाई उनकी एक्सरसाइज, तो भाई उनकी तो बना दी रेल। और फिर एक्सरसाइज के बाद दूध दिया नहीं आज उनते, और सुबह सुबह पिला दी थी लस्सी। लाइट हमारे आ नहीं रही है, पता नहीं रात तक कब तक गायब है। अरे नहीं है भाई कोई भी घर में, सब गया अपने घेर में। और भैया की छुट्टी नहीं है, बाकी सबकी छुट्टी है संडे की, तो भैया गए हैं आज ड्यूटी ओवर टाइम। और भाई इव लगा रहा हूँ अपना घर का काम, मैं सोची तो नू थी आखिर कई दिना को गोबर जुड़ रो है उसने पाथ ही आएगा, पर तो भाई वो तो काम हुआ नहीं क्योंकि भैया गया टूटी और नक्श का पापा गया है भाई खेत पे, तो वहाँ पापा ने बुलाया, वहाँ पे जो काम है वो करना है। और अब मशीन लगाने की सोच रहा था, मतलब जितनी जल्दी काम हो जाए तो रात लाइट ही ना आए, कपड़ा हो रहा है इतना सारा और ना घेर का काम होएगा, जब लाइट ना आए तो ना डोर ना होएगा, ना पानी पियाया जाएगा, ना कुछ ना। तो भाई यही घर के अपने काम में लगी रहूं, दीदी गई घेर में और ये बालक भी गया, तो भाई अपने लग जाऊं घर की साफ सफाई का कार्यक्रम में, और के करा। तो भाई ये सबसे पहले तो मैं झाड़ू काट दूं सारा घर में, और जितनी जल्दी हो देखा कोशिश करांगा फटाफट काम निपटाने की, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और इन्वेटर भी बोला पड़ा है भाई मारा। तो चलो भाई लग जाओ जल्दी से अपनी उठा के झाड़ू ना हथियार ने साफ सफाई में। तो भैया वो हो रहा है समय सुबह के 9:15, और हम अपना बाहर का गोबर पानी का सारा काम निपटाए आए हैं। और यहाँ पे लगा रही है दीदी पोछा, इतनी देर में पोछा लगा, इतनी देर में भाई कर दिया मैंने बर्तन साफ। और यहाँ पे इसकी मैडम जी की लगा दी ड्यूटी अपने वाइट शूज चमकाने की तीनों की। तो भैया कैड़ी पड़ के लग रही है, दिखाइए बढ़िया चमकाइए, नहीं पैसा ना मिलेगा। कैसे तो कर रखे हैं, देखिए अगर ये साफ होता तो बेटा इन्हें दौड़ की जरूरत पड़ती चमका ले। तूने तो यही काम बहुत 2 घंटा में निपटा गया, अभी इन जूता पे तया। और यहाँ पे यहाँ कर दी मशीन खराब, यहाँ पे मैकेनिक बैठ गए हैं मशीन को सुधारने के लिए, यार दवाई छिड़कन वाली मशीन है। हुई ठीक ना हुई डॉक्टर साहब, हो जाएगी ठीक? पेट का दर्द सही होगा? मैं मशीन की पूछ रही हूँ, दवाई खा के ठीक है तो लगे रहो केड़ा पड़ के। तो भाई अब हो रहा है समय दोपहर के 11:30, और आज तो बच्चों ने खूब जगाया और साथ में लाइट ने भी, तो लाइट अब तक आई नहीं है। और पता चला है कि लाइट आएगी कम से कम 2:30 से 3 बजे के आसपास। और भाई अब ये नहा धो के बैठ गए और अर्थ डे आ रहा है, तो भाई अर्थ डे का चक्कर में तीनों की मैम ने अलग अलग तो सामान बता दिया लिस्ट बना बना के, और पिक्चर और ड्रॉ करनी है। और इसने तो कर ली, भारती ने तो दिख रही होगी, तो और नक्श की मैं बनाऊंगी पिक्चर क्योंकि ये छोटा है। मैम ने बोला कि पेरेंट्स बना के भेज देंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास में है, कहाँ भी इतनी बड़ा पेंटर है। और इसके अलावा भारती ने जूते धोए थे बिल्कुल चमका दिया ये जूता, ये सूख जाएगा शाम तक। और जो है अब खाएंगे हम खाना, और अभी तो एक का सामान रह रहा वो आएगा दोपहर तक शाम तक मार्केट से। तो भाई उसने तो पूरा अपने ग्लोब बनाना है बढ़िया वाले बोल वोल से, अपने वॉल पेपर टिश्यू पेपर चार्ट पेपर पता नहीं मैडम ने क्या क्या तो सामान बता दिया, जब बन जाएगा अगर बढ़िया तो आपने दिखाऊंगी जरूर। और लाइट आ नहीं रही, मशीन भी भरी पड़ी है पूरी कपड़ा की, और ना दूध मिला ना कुछ हुआ। और भाई आज खाने में है शाम की पेठे की सब्जी और रोटी, हरी मिर्च प्याज और दही, छाए तो है ही ना आज, और साथ में आपकी सुबह की दाल है। तो भाई जिस किसी ने खाना खाना हो आ जाना हमारे घर पे। भाई अब हो रहा है समय दोपहर के 12:15, और ये झमूरे बैठे हुए हैं चाचा के साथ, ये अपने पापा के साथ बैठा और ये खा रहे हैं खाना। और अब भाई अब ये बाट देख रहा है कि चाचा जल्दी जल्दी खा ले, तो हम चला मार्केट सामान लेने के लिए अर्थ डे का। तो भाई ये घेर घेर के बैठ गया है गैल में, मैं भी अपनी एक आध लिस्ट में सामान ऐड कर दूं।
तो भाई भी ये चाय वगैरह सोपिंग करने के लिए चलो जाओ जल्दी साइड दे सीना मैं सोऊं इधर तो माऊंगा। गया भाई ये तो मार्केट। अरे भाई देख लो ये कर रही है शॉपिंग घर में बैठ के चूड़िया की। अरे हम तो कुछ भी ना कर रहे थे। ये भारती ने पागल बना रखा है माजी की शॉपिंग कर रही है यार। अरे अब करांगा हम थोड़ी देर आराम इनकी बच गई है लड़ाई माँ बेटिया की। तो जी अब हो रहा है शाम का समय और शाम के बज रहे हैं 3:30 और भाई लाइट आई थी दोपहर के 1:30 बजे और 2:30 बजे लगा दी थी हमने मशीन और आज तो बिल्कुल भी आराम ना मिला मुश्किल से आधा पौन घंटा मिला है और इन बच्चों का इतना सारा काम है दे रखा है मैम ने भाई इनकी तो छुट्टी संडे और फंडे इनका तो वर्किंग डे होगा भाई ये लग रहा है सारा दब के अपना होमवर्क कंप्लीट करने में इनको हम होमवर्क ही ना होने मारो गलत है और लाइट आई थी वह भी चली गई बस 2 चक्कर लगा है अभी इतना सारा कपड़ा पड़ा है अभी धोने के लिए और रही जो सुबह लगाई थी वह लगाई अब दोपहर में तो भाई चढ़ा रखी है चाय पानी पी लिया फिर लगा रहा आंगा इन बालक का काम है और अपना घर का काम है रास्ता भाई सुबह तक भाग भाग के कति रास्ते थकगा सबकी देही ऐसी चुर चुर कर रही है आराम करने जी कर रो काम करने तो कति नीट ही नहीं कर रही कति भी तो भाई लगा दोबारा तो अपना जो एक आध चक्कर लत्ता लिकड़गा उन्हें सुखा देवा और चाय पानी पी लिया तो भाई अब हो रहा है समय शाम के 6:15 और सब्जी जो है हमने कट कर दी है सब्जी बनेगी आज आलू शिमला मिर्च की साथ में जो है अब सारा काम हो गया है फिनिश और अब कर रहे हैं शाम के खाने की तैयारी और यहाँ पर ये गया था मार्केट और देखो क्या क्या सामान लेके आया है तो भाई अर्थ डे का ये बहुत सारा सामान लेके आया है टिश्यू पेपर चार्ट पेपर भाई तो घणो ही सामान लिया है पेंटिंग कलर ब्रश कुछ आवे भी है ठूठा करने लेके आगो और भाई अब यो बनावेगो ग्लोब देखो कैसे बनेगो इस पर बोले रखी गम और कटोरा पानी और पानी में गम डाल के और इस पर टिश्यू पेपर ने चिपकाएगा पता ना कैसे पेस्ट करेगा इस पर। अरे भाई ये कपड़ा धो के यहीं सुखा दिया और अब लगूँ मैं अपने शाम का काम में सबसे पहले सब्जी छोक दूँ। तो भाई सब्जी तो बनकर हो गई बिल्कुल तैयार और भाई अब करूँगी मैं रोटी बनाने की तैयारी दूध भी हो गया गरम आटा लगा दिया था मैंने बर्तन वगैरह सब जो है धोए थे उठा के रख दिए और भाई अब फिर करवाऊँगी बच्चों के जो है जो स्कूल के जो भी प्रोजेक्ट दे रखा है जो आधा रह गया था काम वो तो भाई आज का तो दिन सारा गया दौड़ भरा थक गए भाई बिल्कुल और अब फटाफट खाना बना देती हूँ फिर बच्चों का काम करवाऊँगी तो भाई मैं इस वीडियो ना करूँ यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राम राम जी।